चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु जयसवाल परीक्षा दृष्टि से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्पेशली लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए मैं आया हूं आपको भारत का संविधान पढ़ाने के लिए। भारत का संविधान क्या होता है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था इसका अर्थात होता है राज्य प्लस व्यवस्था, मतलब राज्य पर शासन करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि वंशानुगत राजशाही शासन होता था राजा महाराजाओं के समय में। अब क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि एक ऐसा संविधान, लिखित संविधान होना चाहिए जिसके आधार पर देश का शासन किया जा सके, मतलब जो लोगों को गाइडेंस दे, अधिकारियों को, जितने भी जो है ऊपर ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं जो शासन कर रहे हैं उनको एक गाइडेंस दे कि हमें ऐसा शासन करना चाहिए। इसके लिए क्या निर्माण होना चाहिए? संविधान का। संविधान, संविधान कैसे बना ये इम्पोर्टेंस है। संविधान का निर्माण हमारे संविधान निर्माताओं ने कई देशों के संविधान से कुछ ना कुछ संशोधित रूप में लिया हुआ है, या जैसा अपने देश की स्थिति के हिसाब से, वर्तमान की स्थिति के हिसाब से वैसा का वैसा ही ले लिया है या उसमें संशोधन किया। और काफ़ी कुछ हमारे भारत शासन अधिनियम 1935, रेगुलेटिंग एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 में ऐसी कई चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे भारत के संविधान, लिखित संविधान में उल्लेखित है। तो इसके लिए हमें संवैधानिक विकास पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास में दो कालक्रम है, दो पार्ट में हम इसको पढ़ा जा सकता है डिवाइड करके। पहले 1773 से लेके 1857, दूसरा है 1857 से लेके 1947, अर्थात 1773 से लेके 1857, 1857 का विद्रोह तक पढ़ना है, फिर 1857 में के विद्रोह के बाद 1858 का एक्ट आया था जिसमें ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने, वो उसने जो है ब्रिटिश मतलब क्राउन के हाथ में शासन ले लिया और कंपनी से शासन छीन लिया। तो पहले हम लोग यहाँ कंपनी का शासन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ब्रिटिश विक्टोरिया महारानी का शासन पढ़ेंगे। इसके लिए पहले हम लोग को 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें क्या हुआ? पहले तीन प्रेसिडेंसियां थी हमारे यहाँ, बंगाल, मद्रास और मुंबई। बंगाल, मद्रास और मुंबई, पहले ये तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर हुआ करते थे और ये तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर सीधा कंपनी को रिपोर्ट करते थे। अब क्या कहा गया कि ये बंगाल का जो गवर्नर था इसके पद को गवर्नर को के पद को गवर्नर जनरल कर दिया गया, गवर्नर से गवर्नर जनरल कर दिया गया और ये कहा गया बंगाल के गवर्नर जनरल से कि आप मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी का भी जो गवर्नर होगा वो आपको रिपोर्ट करेगा। इससे क्या हुआ कि मतलब एक हो गया, पूरा पूरा शासन एक हो गया। और यहाँ पे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसने, इसके हाथ में तीनों प्रेसिडेंसियों का शासन आ गया। और फिर उसके बाद 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। उच्चतम न्यायालय कहाँ पे हुई? कलकत्ता में, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, तो आप बता सकते हैं कि हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना सर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे
क्या कहा जाता है, किसमें राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को पृथक करने के लिए कहा गया, क्या कहा गया, राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को पृथक करने के लिए कहा गया, पृथक किया गया। क्यों? क्योंकि जो कि कंपनी के अधिकारी होते थे वो प्रशासन देखते थे, वो अपना निजी व्यापार भी करते थे, इससे उनमें जो है लाभ लोभ उत्पन्न होता था, जिसकी वजह से वो प्रशासनिक कार्य की बजाय वाणिज्यिक कार्य में ज़्यादा संलिप्त हो जाते थे, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि वहाँ का शासन करने में। ऐसी स्थिति में क्या किया गया, विलियम पिट ने, उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, विलियम पिट, इन्होंने ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित करवाया था, इन्हीं के नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा, और लंदन में कंट्रोलर बोर्ड की स्थापना की इन्होंने, कहां पे, लंदन में कंट्रोलर बोर्ड की स्थापना की। क्यों? ये कंट्रोलर बोर्ड देखता था कि भारत में शासन कैसा चल रहा है, और इसमें जो भी कंपनी के ऊपर नकेल कसनी होती थी वो कैसे नकेल कसी जाए कि जिससे यहाँ का शासन अच्छे चले। उन्होंने द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की। ये हमारा हो गया पिट्स इंडिया एक्ट। आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि द्वैत शासन प्रणाली किस एक्ट के तहत हमारे यहाँ शुरू हुई, तो आप बता सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब आगे आपको पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 में क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, क्या कहा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी होंगे वो भारत का शासन अच्छे से कर सकेंगे, और जब व्यापारी के एकाधिकार समाप्त हो गया तो वो यहाँ पे व्यापारी गतिविधियों में संलिप्त नहीं होंगे, इससे प्रॉफिट, इससे यहाँ का शासन अच्छे चलेगा। बस केवल किस चीज़ के लिए छूट दी गई, चाय और चीन के व्यापार पे। इससे आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, किस एक्ट के तहत, तो आपको बता सकते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। हालांकि चाय और चीन पर भी जो व्यापार किया जाता था, इससे भी भारत का शोषण होता था। क्यों? क्योंकि जबरन चाय की खेती करवाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, नकदी फसल है क्योंकि चाय, और चीन में क्या करते थे, ये अफीम का व्यापार करते थे, तो अफीम का जबरदस्ती खेती करवाते थे जबकि खाद्यान्नों की जगह पे। इससे यहाँ पे भुखमरी आई, अकाल आए, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो फिर उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833, इसमें क्या किया गया कि चाय और चीन पर जो व्यापार करते थे इसे भी समाप्त कर दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि इनका शोषण और कम हो गया, क्योंकि चाय का जो व्यापार करते थे वो जबरदस्ती नकदी फसल है, तो इसकी जबरदस्ती के खेती करवाते थे और कम रुपए दे करके जो है करवाते थे बिजनेस, और चीन में अफीम, तो जब अफीम नहीं उगाई जाएगी तो वो लोग अपनी खाद्यान्न फसलों को वो करेंगे, पैदा करेंगे, जिससे देश में अकाल नहीं आएगा, और अकाल नहीं आएगा तो विद्रोह नहीं होगा।
सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि चाय और चीन पर व्यापार पर कब प्रतिबंध लगाया गया था, तो आप बताएंगे कि चार्टर एक्ट 1833। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि ईस्ट इंडिया का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया, तो चार्टर एक्ट 1813। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर चाय और चीन पर व्यापार कब प्रतिबंध लगाया गया, किस चार्टर एक्ट के तहत, वहाँ पे चार्टर एक्ट 1813 भी होगा, चार्टर एक्ट 1833 भी होगा, लेकिन आपको एग्जाम में चार्टर एक्ट 1833 में ये तो प्रतिबंध लगाया गया ही, लेकिन गवर्नर जनरल जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसे क्या कहा गया, अब इस पद का नाम कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, ठीक, भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल कौन था प्रथम भारत का, विलियम बेंटिक, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था पहले, तो आप वॉरेन हेस्टिंग्स बताएंगे, और ये कहा जाए कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि भारत का गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिक है, जो कि पूरे देश में जहाँ जहाँ पर भी कंपनी का शासन चल रहा है वहाँ पर वो अपना कार्य करेगा। तो आप ये पूछ सकते, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का गवर्नर जनरल का पद जो कि प्रमोट किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को कहा गया भारत का गवर्नर जनरल, ये किस चार्टर एक्ट के तहत कहा गया, 1833 के तहत कहा गया। तो 1833 में दो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, पहला चीज चाय और चीन पर जो व्यापार हो रहा था उसे समाप्त किया गया, और दूसरा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था जो कि मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी तक ही केवल शासन करता था, अब उसे कहा गया कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पर भी कंपनी का शासन चल रहा है वहाँ पर अच्छे से, वहाँ पर वो पूरे भारतवर्ष में शासन करेगा। इससे अब आता है चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853, इसमें क्या कहा गया कि इंडियन सिविल सर्विसेज को स्टार्ट किया गया, भारत जो कि हम लोग एग्जाम का IAS PCS का एग्जाम देते हैं वो स्टार्ट किया गया। भारतीय सिविल सेवा की जो परीक्षा थी उसे स्टार्ट किया गया, परीक्षा की खुली प्रतियोगिता की गई, सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता स्टार्ट की गई। ठीक है, ये भारतीय सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता स्टार्ट की गई, और पहले सिविल सेवा में चयनित होने वाले व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये 1863 में चयनित हुए थे। ये सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में चयनित हुए थे। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1857, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1857, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1857, इसमें भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथ में सीधा शासन चला गया, इंग्लैंड किसके हाथ में चला गया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथ में शासन चला गया। इससे अब क्या हुआ
कि अभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कंपनी का शासन कब समाप्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी 1858, सॉरी 58 है, यहाँ 57 नहीं है, मुझसे मिस्टेक हो गया, 1858। ये आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के चार्टर एक्ट 1853 तक एक पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ये दूसरा पार्ट है गवर्नमेंट्स ऑफ एक्ट 1858, ये दिल्ली दरबार लगा था, यहाँ से स्टार्ट होता है 1947 तक हमारा दूसरा पार्ट। इसमें क्या हुआ, 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हाथ में सीधा शासन चला गया। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है। 1857 में विद्रोह हुआ था, क्यों विद्रोह हुआ था, क्योंकि कंपनी के अधिकारियों ने बहुत ही शोषण पूर्वक नीति अपनाई। कंपनी का तो व्यापार होता ही था, कंपनी के व्यापार के साथ वो निजी व्यापार भी करने लगे थे, निजी व्यापार करते थे, उपहार लेते थे, घूस लेते थे आज की शाब्दिक अर्थ में। तो ये सब के कारण जो है ना वहाँ पे अकाल होने लगे। पहले तो नील का विद्रोह हुआ, नील की खेती जबरदस्ती कराते थे, उन लोग नकदी फसल की ओर ज़्यादा प्रमोट करते थे अपने आप को, खुद को, कि जिससे खाद्यान्न, जब नकदी फसल उगाई जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा भूमि में, तो खाद्यान्न फसलों से नहीं उगाई जा पाएगी, क्योंकि भूमि तो सीमित है ना हमारे पास, भूमि तो एक सीमित संसाधन है, उसमें ज़्यादातर पार्ट में नकदी फसल उगाई जाएगी तो थोड़े से पार्ट में खाद्यान्न फसलें उगा, जब थोड़ी सी खाद्यान्न फसलें उगाई जाएंगी ऑब्वियस सी बात है तो वो खाद्यान्न बहुत ही महंगे हो जाएंगे, जिससे गरीब जनता के पास वो पैसे नहीं हो पाएंगे। ऐसे ढेर सारे अकाल आए। और दूसरा चीज़ ये कि कंपनी के अधिकारियों ने जबरियन कई तरीके की नीति को अपना करके लोगों के राज्य के शासकों के राज्य को हड़पा, जिससे कि वहाँ के राजा वर्ग और जो सामंत वर्ग था, सामंत वर्ग से भी छीन लिया गया भूमि माफ, उनको जो भूमि का देख रेख करते थे, लगान वसूल करते थे, उनसे भी छीन लिया गया। तो ये सब मिला जुला एक 1857 में विद्रोह हुआ है। ये इसमें बहुत सारे रीजन्स हैं, एक रीज़न नहीं है। हालांकि ये 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें ये कहा जाता है कि गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने की वजह से हुआ, लेकिन ये एक तात्कालिक कारण था, लेकिन उसके पीछे कहानी बहुत बड़ी है। इसलिए इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और कहा कि जो है भारत का जो शासन है, जहाँ जहाँ पर कंपनी का शासन था वहाँ वहाँ पर महारानी विक्टोरिया का सीधे शासन होगा, और जो राजा थे वो राजा रहेंगे, लेकिन वो किसके अधीन रहेंगे, महारानी विक्टोरिया के अधीन रहेंगे। तो ये यहाँ से अब दूसरी कहानी स्टार्ट होती है, हमारा पार्ट टू स्टार्ट होता है। इसमें क्या हुआ कि इसमें फिर अब क्या कहा गया, जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, इसे क्या कर दिया गया, वायस राय। वायस राय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ये याद रखिएगा कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल पहला हुआ था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, भारत का गवर्नर जनरल जो था बना वो विलियम बेंटिक था, और थर्ड नंबर पर लॉर्ड कैनिंग था। भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत था, भारत का गवर्नर जनरल आपका बना था विलियम बेंटिक बने थे, विलियम बेंटिक, भारत का गवर्नर विलियम बेंटिक, ये आपका चार्टर एक्ट 1833 में था। और आपका जो है 1858 का जो एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, उसमें प्रथम वायस राय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ये आपकी पृष्ठभूमि स्टार्ट हो गई आपका। अब ये इसमें क्या कहा गया, इसमें कई तरीके के कार्य किए गए। हम आपको बताए थे कि भारत का प्रथम वायस राय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। ये याद रखिएगा कि किस अधिनियम के तहत भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, तो लॉर्ड कैनिंग था। ये 1858 के तहत हुआ। इसमें नियंत्रक, नियंत्रण बोर्ड, निदेशक कोर्ट और द्वैत शासन प्रणाली, ये सब स्टार्टिंग की गई। इसमें भारत का राज्य सचिव नाम का पद का सृजन किया गया, भारत का राज्य सचिव। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि भारत का राज्य सचिव के पद का सृजन कब किया गया, ये गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858 के तहत किया गया। इसमें 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, 15 सदस्यीय परिषद, ये परिषद का गठन किया गया। ये कौन थी सलाहकार समिति थी, ये किसको सजेस्ट, ये सलाहकार समिति थी, ये वायस, ये किसको सजेस्ट करती थी, ये वायस राय को सजेस्ट करती थी कि आप कैसे शासन करिए। और भारत का सचिव परिषद कभी गठन किया गया, सचिव परिषद का गठन किया गया जो कि प्रशासनिक कार्य की देखरेख कर सके। अब आपको हमें पढ़ाना है 1861 के भारत परिषद अधिनियम। ये भारत के विस्तारित परिषद में शामिल किया। इसमें क्या कहा गया कि भारतीयों को, अब जो है भारतीयों को जो परिषद होती थी उसमें शामिल किया गया, परिषद में शामिल किया गया। और क्या कहा गया, मतलब परिषद में शामिल किया, इनको बैठने का परिषद में और बहस करने का अधिकार था, जबकि ये गैर सरकारी सदस्य के रूप में कार्य करते थे, और जो सरकारी सदस्य थे वो ब्रिटिशर्स थे, उन्हीं को विधेयक बनाना होता था, उन्हीं को कानून बनाना होता था। ये स्टार्टिंग थी कि भारतीयों को कैसे वहाँ परिषद में शामिल किया गया। अभी तक क्या होता था कि केवल ब्रिटिशर्स ही होते थे, लेकिन अब स्टार्टिंग हो गई कि भारतीयों को भी परिषद में शामिल किया जाने लगा है। इससे वहाँ पर बैठक में भाग लेने लगे, ये भले ही विधेयकों को जो भारत के भारतीयों के खिलाफ विधेयक बनते थे उसमें अपनी कम से कम एक सहमति असहमति तो जाहिर कर सकते थे, तो लोगों को ये पता चलता था कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही। अभी तक क्या होता था कि भारत की जनता को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता था कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, क्योंकि परिषद में कोई भारतीय बैठा ही नहीं होता था। अब भारत के सदस्य भी बैठे होते थे, अब लोगों को ये धीरे धीरे ये चीज़ें पता चलने लगी। अब इसमें क्या कहा गया, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को जो है विधायी शक्ति बनाने का अधिकार मिल गया, प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति बनाने का अधिकार मिल गया, जो कि हमने आपको पढ़ाया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, और मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी पर जो भी ये अधिकार था शासन करना था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के शासन के हाथों में कर दिया गया था। तो अब वहाँ से विधायी शक्तियाँ बनाने का अधिकार छीन लिया गया था, लेकिन ये बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को फिर से कब विधायी शक्तियाँ मिली, ये 1861 के अधिनियम के तहत। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत मद्रास और मुंबई को विधायी शक्तियाँ बनाने का अधिकार मिला, तो ये आप बताएंगे 1861। और ये कब तक मिला, 1937 तक, पूर्ण स्वायत्तता मिली 1937 तक प्रत्येक प्रेसिडेंसी को, और उसके बाद फिर से शासन फिर से जो है जो भारत का वायसराय हो गया होगा 1937 के बाद, वो उसके अधीन सब कुछ हो गया। फिर बंगाल उसके अधीन तो तब भी था, लेकिन अभी क्या है कि ये अपने राज्य से संबंधित जो कुछ कानून बना सकते थे जो कि केंद्र के अगेंस्ट ना हो। अब क्या कहा गया कि बंगाल सहित 3 राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण किया गया, बंगाल सहित 3 राज्यों में विधान परिषद का निर्माण किया गया, विधान परिषद क्या कहा गया, कहाँ कहाँ पे, बंगाल स,
सीमांत प्रदेश, ठीक है, बंगाल सीमांत प्रदेश और पंजाब। कब कहा गया? बंगाल में 1862, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में 1865 और यहाँ पे 1897 में। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत आपका बंगाल बिहार, बंगाल यूपी अर्थात सीमा प्रांत सीमांत प्रदेश और पंजाब में आपका जो है शासन मतलब विधान परिषदों का निर्माण किया गया। तो ये आप बता सकते हैं कि 1861 के परिषद अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश बंगाल पंजाब, सॉरी मेरे मुंह से बार बार उत्तर प्रदेश निकल रहा है, लेकिन उस समय सीमांत प्रदेश था जो कि आज की वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश नाम हो गया है, ठीक है। ये तीनों जगह विधान परिषदों का निर्माण किया गया। वायस राय को परिषद में नियम बनाने की के लिए अधीन शक्ति मिली। बिना काउंसिल के संस्तुति के वायस राय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। ये बहुत ही बड़ी पावर होती है। अध्यादेश होता क्या है पहले आप ये समझिए। अध्यादेश किसी भी जैसे ये गवर्नर या फिर अभी आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल अध्यादेश पारित करता है। कब पारित करता है? जबकि से मतलब राज्य में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि तुरंत वो कानून अगर हमने नहीं पारित किया तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या फिर कुछ भी दिक्कत आ सकती, सामाजिक दिक्कतें आ सकती है। ऐसी स्थिति में क्या कहा गया कि जो है इसको अध्यादेश कहा जाता था, लेकिन अभी मंत्रिपरिषद की सहमति के बाद ही अध्यादेश बनता था जो कि कैबिनेट होते थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी सलाह के बाद ही मुख्यमंत्री सजेस्ट करता है राज्यपाल को या फिर प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट के आधार पर सलाह लेकर के प्रधानमंत्री सजेस्ट करता है राष्ट्रपति को कि आप ये अध्यादेश पारित करवाए। भारत अध्यादेश 123 आर्टिकल में है और राज्य के अपेक्षा में 213 आर्टिकल है, ठीक है, इस समय वर्तमान की संवैधानिक स्थिति बता रहा हूँ। तो अब ये कहा गया कि परिषद मतलब ये अध्यादेश बिना काउंसिल के संस्तुति के मतलब वायस राय को इतनी पावर मिल गई कि वो किसी भी समय कोई भी अध्यादेश पारित कर सकता था, उसको किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं थी। ये बहुत बड़ी बात है। अब आपको 1892 का अधिनियम पढ़ना है। 1892 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम में क्या कहा गया? केंद्रीय विधान परिषद को में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और कहा गया कि विधान परिषद के बजट पर बहस करने और कार्यकालिका में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। ये कहा गया 1892 में। मैं आपको केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायस राय को अब शक्ति दे दी गई। अब क्या कहा गया कि वायस राय जो है केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में जो कि गैर सरकारी सदस्य अर्थात भारतीयों को जो नॉमिनेटेड करता था, वो वायसराय को शक्ति दे दी गई कि वायसराय नामित भी कर सकता है, ठीक है। अब भारत शासन, अब आपका आता है 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम, ठीक है, 1909 के अधिनियम मेकअप को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मार्ले उस समय के जो है भारत के राज्य मंत्री थे जो कि इंग्लैंड की संसद में बैठते थे और मिंटो उस समय के वायसराय थे, ठीक है। इसमें ये कहा गया मार्ले मिंटो सुधार में किसी भी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्य परिषद कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य बने, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये नाम याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये
ये कौन से सदस्य बने? विधि सदस्य बने, विधि सदस्य। ये ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद में सबसे पहले इन्हें स्थान मिला विधि सदस्य के रूप में, सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा। ठीक है, ये किस अधिनियम के तहत हुआ? माले मिंटो सुधार या 1909 के अधिनियम के तहत किया गया, इसके आधार पृथक निर्वाचक के आधार पर। ये क्या कहा गया? पृथक निर्वाचक मंडल का किया गया निर्माण, मंडल। इसमें क्या कहा गया? मुस्लिम मेनली मुस्लिम, लेकिन सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियो के लिए अलग अलग से निर्वाचक मंडल, मतलब ये अलग अलग से प्रतिनिधित्व के लिए इलेक्शन कराया गया जाने का प्रावधान था। इसे लॉर्ड मिंटो ने सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक भी कहा जाता है। किसको सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो कौन थे? उस समय के वायसराय थे। इन्हें क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है, मतलब इन्होंने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो कि इलेक्शंस कराए जाते हैं, इन्होंने ये स्टार्टिंग किया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपको जो है ये मिलेगा, अधिकतर क्वेश्चंस में मिलता है, ये हर दूसरी तीसरी परीक्षा में तो मिलवा करेगा। और प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया कि मतलब कैसे कैसे लोग इलेक्शन, मतलब कैसे कैसे इलेक्शन होगा और कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसे क्या कहा गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है इसे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है, सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू कौन थे उस समय के? राज्य सचिव थे। और चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे। इसमें सरकार का ढांचा एकात्मक रहा। भारत शासन अधिनियम 1919 एकात्मक, अर्थात केंद्र के हाथ में पूर्ण रूप से डोमिनेंस था कि केंद्र जैसा चाहता था राज्य उसका विरोध नहीं कर सकता था। एकात्मक का सीधा साधा मतलब यही होता है। इसके आगे जब मैं आपको पार्ट वन पढ़ाऊंगा तो एकात्मक, संघात्मक, परिसंघात्मक विस्तार से समझाऊंगा कि क्या होता है, लेकिन अभी के लिए, फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए कि एकात्मक का मतलब ये होता है कि केंद्र का पूर्ण रूप से नियंत्रण होगा राज्य पर, उसको एकात्मक कहते हैं। प्रांतीय विषयों को दो विभागों में विभाजित किया गया, पहला हस्तांतरित विषय, दूसरा आरक्षित विषय। हस्तांतरित, दूसरा आरक्षित। ठीक है, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय क्या होते थे कि जो कि नॉर्मल सी बातें होती थी कि स्वास्थ्य से लेकर के, और आरक्षित विषय वे होते थे जो कि सैन्य संबंधित या आर्थिक, जिसे गवर्नर अपने या वायसराय अपने अधीन रखता था कि वो कैसे कार्य कराना है। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर किसकी सलाह लेता था? मंत्रियों की सलाह लेता था। ठीक है, और आरक्षित विषय पर कार्य परिषद की सलाह लेता था गवर्नर। द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई, द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे कि आप इस समय प्रेजेंट में देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे में क्या हुआ कि अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत कब द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट की गई? तो भारत शासन अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था मतलब वो की गई स्टार्टिंग, और वायसराय की कार्य परिषद में 6 सदस्य होते थे। ठीक है, जिनमें से 3 सदस्य भारतीयों का होना इम्पोर्टेंट था,
सांप्रदायिक के आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को। तो अच्छा, कौन कौन इलेक्शन कर सक कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते, जैसे हमें वोटिंग करना है उसके लिए ये क्वालिफिकेशन थी पहले। आज के समय में कोई क्वालिफिकेशन नहीं, बस इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 18 वर्ष की उम्र पार करना होना चाहिए। लेकिन उस समय क्या क्वालिफिकेशन थी कि आपके पास संपत्ति होनी चाहिए, यानी आप रिच हो, और दूसरी चीज़ आप टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को, तब आप वोटिंग कर सकते हो। भाई जब आप कमाई कर रहे होगे तभी तो टैक्स दोगे, और एक नॉर्मल व्यक्ति थोड़ी ना टैक्स देगा गवर्नमेंट को। और शिक्षा, जिसके पास शिक्षा हो, ये तीनों राइट्स जिसके पास होंगे वही मतलब कि जो है वो कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। ये आपका हो गया भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 में ही लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था, और पहली बार ऐसा किया गया कि केंद्र और राज्य का बजट अलग अलग कर दिया गया। अब राज्य को पूर्ण स्वतंत्रता हो गई कि वो अपना बजट निर्धारित करे, ठीक है, बजट बनाए। अब इसके बाद हमें आपको पढ़ाना है साइमन कमीशन, साइमन आयोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइमन आयोग आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग का गठन कब किस अधिनियम के तहत किया गया, तो आप ये बताएंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, और केंद्र और राज्य का बजट अलग अलग से बनाने का प्रस्ताव कब आया, भारत शासन अधिनियम 1919। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है साइमन आयोग। साइमन आयोग ये ठीक है, साइमन आयोग क्या था, साइमन कमीशन था ब्रिटिश सरकार, मतलब ये भारत में जो है कैसा शासन चल रहा है, क्या कमियां हैं, क्यों विद्रोह हो रहे हैं, ये सब की जांच करने के लिए साइमन आयोग का गठन किया गया, ठीक है। साइमन का आयोग कब आया था, नवंबर 1927 में आया था, नवंबर 1927 में, ठीक है, नवंबर 1927 में, मतलब कि इसमें स्थिति के, और ये किसके मतलब अध्यक्षता में आया था, सर जॉन साइमन इसके नेतृत्व करता थे, ठीक है, सर जॉन साइमन, ठीक है, इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम क्या पड़ गया, साइमन आयोग, ठीक है। इसमें कौन, 7 ब्रिटिशर्सी थे, इसीलिए इसका बहुत विरोध हुआ था, काले झंडे से इसका स्वागत किया गया था। जब भी ये साइमन आयोग आया था भारत में तो इसका काले झंडे से स्वागत किया गया था, और इसने क्या 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 सिफारिशें की थी, द्वैत शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना, और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने के लिए इसने सिफारिश की थी। अब इसके बाद आता है सांप्रदायिक अवार्ड। सांप्रदायिक अवार्ड, ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड भी क्या है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे रैमजे मैकडोनल्ड, ये याद रखिएगा कि सांप्रदायिक अवार्ड किसने क्या कराया था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड। इससे भी आप याद कर सकते हैं, मैकडोनल्ड का पिज्जा बर्गर कौन नहीं खाता, ये भी आप याद कर सकते हैं कि रैमजे मैकडोनल्ड सांप्रदायिक अवार्ड, ठीक है, ये हो गया सांप्रदायिक अवार्ड। और ये इन्होंने कब आया किया, अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की, अगस्त 1932 में कब आया ये सांप्रदायिक अवार्ड, अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के लिए किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए रैमजे मैकडोनल्ड ने एक प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे क्या कहा गया, कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, सांप्रदायिक अवार्ड को कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया। और इसके आगे मैं बढ़ता हूँ, अवार्ड में सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग अलग निर्वाचन का विस्तार किया गया था। अब ये कहा गया,
ये मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपीय और आंग्ल भारतीय, इनके लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की जाएगी। अब आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हुई है। सारी चीज़ें पढ़ाना तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कई बार क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाने की संभावना लगातार बनी रहती है। ठीक है, क्या है भारत शासन अधिनियम 1935? भारत शासन अधिनियम 1935 ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा। इसमें क्या कहा गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्य और रियासतों के को एक इकाई की तरह माना गया। क्या कहा गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। कब, आप ये वर्ड याद रखिएगा, अखिल भारतीय संघ किस अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ वर्ड आया, जिसमें कहा गया राज्य और रियासतों का संघ की एक इकाई के रूप में माना गया। इसमें तीन सूची, अभी हम लोग अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें तीन सूची है, अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में आती है। ठीक है, 7 में क्या आती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संवर्ती सूची, पहले तो ये समझिए कि ये तीनों होता क्या है। संघ सूची, जिस पर पूर्णता अधिकार किसका होता है, केंद्र का होता है। राज्य, ये राज्य का विषय जो होते हैं उस पर, जैसे कि पुलिस, ये सब चीजें राज्य के विषय हो गए। ठीक है, और सेना और अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जल, ये सब जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, डाक है ना, ये सब चीज़ें जो है किसका, संघ का विषय। और संवर्ती ऐसे विषय होते हैं जो कि राज्य और संघ दोनों के ही अंडर में आते हैं, लेकिन जहाँ पे भी विवाद की स्थिति पैदा होती है वहाँ पे संघ की ही बात मानी जाती है, ऐसा होता है। ठीक है, उस समय संघ राज्य सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची आई थी। संघ सूची में टोटल उस समय 59 विषय थे और राज्य सूची में आपके 54 और 36 विषय संवर्ती में थे। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आया। द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। अब ये कहा गया कि राज्य प्रांत को भी स्वायत्तता दी जाए, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग आज़ादी की ओर बढ़ रहे थे तो एकात्मक व्यवस्था थोड़ा सा लचीलापन हो रहा था। अभी भी एकात्मक व्यवस्था है लेकिन लचीलेपन के साथ में है, इन कंपैरिजन 1935 के पहले। अभी क्या है, 11 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई, बहुत बड़ी बात है। जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, ठीक है, और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, असम में, ये सब राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई, विधानसभा बन गई। ठीक है, दलित जातियों और महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्या कहा गया, भारत शासन अधिनियम 1858 में जो था, क्योंकि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने एक कंपनी से शासन अपने हाथ में लिया था, उसको समाप्त कर दिया गया, उसमें भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड में भारत सचिव को वो सलाहकारी टीम एक मिल गई कि जो है ये जो सलाहकारी टीम है वो किसके लिए कार्य करेगी, सचिव के लिए करेगी। वो सचिव कौन है, राज्य सचिव, जो कि इंग्लैंड की संसद का, ब्रिटिश संसद का जो है एक मंत्री होता था, वो भारत के लिए अपॉइंटेड होता था। ठीक है, अब क्या कहा गया, मताधिकार का विस्तार किया गया। ठीक है, अभी भी बहुत ही कम प्रतिशत में मताधिकार किया गया। पहले क्या प्रावधान था कि संपत्ति होनी चाहिए, आपके पास शिक्षा होनी चाहिए, आप टैक्स पे ही हो तब आप वोटिंग कर सकते हो, लेकिन अभी और विस्तार किया गया और कहा गया लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार करने का अधिकार दिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत
आरबीआई का निर्माण किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है कि देश का पूरा एक मतलब एक बैंक होगा आरबीआई, जो कि पूरे भारतवर्ष पर नियंत्रण रखेगा कि कैसे कार्य किया जाए। ठीक है, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और प्रांतीय सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा कि संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत, 1935, और प्रांतीय लोक सेवा आयोग 1935, और दो या दो से अधिक लोक मतलब अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग 1935 के तहत कहा गया। अभी तक क्या था, एक लोक सेवा आयोग था, अभी राज्य केंद्र के लिए अलग लोक सेवा आयोग है, प्रांत के लिए अलग लोक सेवा आयोग है। ये किसके अधिनियम के तहत है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपका आता है भारत शासन अधिनियम 1947। हमको पढ़ना है, ठीक है, ये बहुत, अब ये देश आज़ाद हो गया है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की। ये याद रखिएगा कि किसने घोषणा की, क्लीमेंट एटली, जो कि उस समय के ब्रिटिशर्स प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि 30 जून 1947 तक भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। फिर उसके बाद 3 जून, क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि उन्होंने कहा गया था कि पूरे भारतवर्ष को एक साथ आज़ाद किया जाएगा, डोमिनियन दो अलग राज्यों की उस समय नहीं किया गया था। लेकिन जब मुस्लिम पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के विरोध के कारण ये और टल गया और एक मुस्लिम अलग स्टेट बना और ये अलग बना। ठीक है, तो फिर 3 जून 1947 को वायसराय जो थे उस समय लॉर्ड माउंटबेटन, ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने विभाजन की घोषणा की। ठीक है, इसके बाद देश का विभाजन हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार किया गया। कब आज़ाद हुआ देश अपना, ये तो आपको सबको पता है, 15 अगस्त 1947। क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया, वायसराय का पद समाप्त किया गया, भारत सचिव का पद समाप्त किया गया और भारत का जो सम्राट था नाम उसे समाप्त कर दिया गया पूरी तरह से, और अंग्रेजों का भी शासन समाप्त हो गया। ये भी अधिकार दिया गया कि भारत की जनता अगर चाहे या फिर जो भी संसद है वो चाहे तो फिर से इंग्लैंड का शासन स्टार्ट कर सके, लेकिन ऐसा होना नहीं था, ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि इतने दिनों बाद आज़ादी किस किस तरीके से मिली है, फिर से उनके अधीन होना ये पॉसिबल नहीं था। सीमाओं का निर्धारण किया, किसने किया, रेड क्लिफ ने किया, रेड क्लिफ, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रेड क्लिफ एक अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था और बहुत ही खून खराबा हुआ था ये सब वजह से, इसलिए इन्होंने अपनी सैलरी नहीं ली थी। धन्यवाद, मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और ये इससे बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने के पहले आपको इससे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब मैं बारी बारी में आपको दिखाऊंगा डिस्प्ले में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।